नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत करता हूं उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी से सरोकार है। विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे काव्य दोष के बारे में, तो काव्य दोष के हमने परिभाषा पढ़ी और उसके जो भेद है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो हमने एक भेद है वो पहले पढ़ लिया है, शब्दगत जो काव्य दोष है उसका जो एक भेद है हमने शब्दगत दोष है वो पढ़ लिया। अब हम दूसरा जो दोष है वो हम पढ़ेंगे, उसका नाम है अर्थ दोष। नाम से स्पष्ट है शब्द में शब्द की कमी हो और अर्थ में काव्य में कोई अर्थ संबंधी दोष हो, अर्थ को ग्रहण करने संबंधी कोई बाधा पहुंचती हो, तो वहाँ अर्थ दोष माना जाता है। तो जब किसी काव्य में अर्थ संबंधी अर्थात अर्थ संबंधी दोष हो या अर्थ ग्रहण करने में बाधा पहुंचती हो तो वहां अर्थ दोष माना जाता है, वहां अर्थ दोष माना जाता है। तो आपको अर्थ दोष की परिभाषा देखिए कि जब किसी काव्य में अर्थ संबंधी दोष हो, यानी अर्थ को लेकर के कोई बाधा हो, अर्थ समझ में नहीं आए। काव्य कविता ने तो बहुत अच्छी कवि ने तो कविता बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन अगर जो सामान्य जो शहर दे पाठक है उसको उसका अर्थ समझ में नहीं आया ठीक प्रकार से, तो वो फिर उस कविता में हम कह सकते हैं कि वो अर्थ संबंधी दोष उसमें आ गया है, या फिर अर्थ ग्रहण करने में बाधा पहुंचती है। जब शहर दे पाठक तक वो अर्थ है वो पहुंच नहीं पाता तो बाधा पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति को हम वहां पर हम क्या मानेंगे, अर्थ दोष माना जाता है। यानी काव्य में अर्थ संबंधी दोष, अर्थ ग्रहण करने में बाधा पहुंचती है तो वो अर्थ दोष माना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसको उदाहरण के द्वारा हम समझे या इसको दूसरे रूप में हम अगर कहें कि जब किसी काव्य में कोई कवि है, वो जो कविता के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से लेता है कि उसके एक जैसे ही अर्थ निकलते हो, यानी एक शब्द के लिए अनेक शब्दों को पर्यायवाची रूप में रख देता हो, अनेक शब्दों का प्रयोग कर देता हो और फिर उसका सभी का अर्थ एक सा ही हो, तो वो अनावश्यक शब्द वो काम में लेता है, तो वो दोष हम अर्थ संबंधी दोष में मानते हैं। यानी किसी एक शब्द को वो बताने के लिए एक से ज्यादा उसी के ही पर्यायवाची शब्द रख देता है, अर्थात उसके एक अनावश्यक शब्दों का वो प्रयोग कर देता है, तो अर्थ संबंधी दोष है वो होता है। तब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बांध्यो जलनिधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस। अब आपको विद्यार्थियों देखकर ही पता चल गया होगा कि ये जो शब्द है जल निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस, ये शब्द किसके पर्यायवाची है, ये सब समुद्र के पर्यायवाची है, ठीक है। अब समुद्र के पर्यायवाची है तो बांध दिया, यानी यहाँ पर राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है, तो श्री राम ने बांध दियो जल निधि समुद्र को, नीर निधि समुद्र को, जल दी समुद्र को, सिंधु समुद्र को, वारिस मैंने समुद्र को, यानी एक ही समुद्र के शब्द को प्रयोग करने के लिए कवि ने तो अपनी चमत्कारिता दिखाई होगी, लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से देखे तो यहाँ एक समुद्र के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता था, बाकी शब्द सब सारे के सारे अनावश्यक है, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द किसके पर्यायवाची है, समुद्र के पर्यायवाची है सब के सब, इसीलिए यहाँ एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कवि ने कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ संबंधी दोष माना जाएगा। तो बांध्यो जल निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिस, अर्थात यहाँ पर सभी समुद्र का एक शब्द के प्रयोग के लिए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये जो है अर्थ संबंधी दोष में गणना होती है। इसी प्रकार से
अगर अर्थ दोष की बताएं कि इसके कितने प्रकार हैं, तो आचार्यों ने लगभग अर्थ दोषों को स्वीकार किया है 23 प्रकार के। अर्थ दोष 23 प्रकार के माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ दोष संबंधी आपको परिभाषा ध्यान में आ गई होगी, यानी इसमें एक ही शब्द के लिए एक से ज्यादा पर्यायवाची या अनेकार्थ शब्द, एक ही शब्द के लिए एक पर्यायवाची संबंधी या अनावश्यक शब्दों का वो प्रयोग कर देता है, तो वहां पर अर्थ संबंधी दोष माना जाता है। अब जो है रस संबंध या आपके वाक्य संबंधी दोष है वो हम पढ़ेंगे। तीसरा वाक्य दोष, वाक्य दोष क्या होता है? जहां पर वाक्य संबंधी या वाक्यांश संबंधी कोई अशुद्धि हो, उसका प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर वाक्य दोष माना जाता है। यानी जब किसी काव्य में वाक्य या वाक्यांश संबंधी त्रुटि हो, जब किसी काव्य में वाक्य या वाक्यांश संबंधी त्रुटि यानी कमी पाई जाए, तो वहां वाक्य दोष होता है। यानी काव्य में वाक्य या वाक्यांश संबंधी कोई त्रुटि या कमी रह जाएगी, तो वो वाक्यांश वाक्य दोष माना जाएगा। वाक्यांश दोष को हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि जब किसी काव्य में क्रम भंग संबंधी, यानी किसी काव्य में क्रम भंग संबंधी कोई त्रुटि पाई जाती है, यानी जो कोई त्रुटि पाई जाती है अर्थात यानी शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अर्थात कि शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहां पर वाक्य संबंधी दोष होता है, क्रम भंग होता है। यानी बात जो पहले लिखनी चाहिए थी वो बाद में लिख देते हैं, बाद में लिखने वाली बात पहले लिख देते हैं, इस तरह से क्रम उसका भंग हो जाता है। क्रम भंग होने के कारण ये दोष वाक्य दोष कहलाता है। एक इसका एक छोटा सा हम उदाहरण देख करके इसको समझेंगे। जैसे एक उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको समझने में आसानी होगी। अमानुषी भूमि अवानरी करूं, अमानुषी भूमि अवानरी करो, तो इस पंक्ति में जो वक्ता है, रावण है वक्ता, वो ये कह रहा है कि मैं इस अमानुषी शब्द का अर्थ क्या हो गया, मनुष्यों से हीन, मनुष्य से हीन या रहित भूमि को यानी धरती को मैं अवानरी यानी बंदरों से हीन या रहित करो, मैंने कर दूंगा। जैसे रावण क्रोध में कहता है कि मैं इस भूमि को, रावण तो ये कहना चाहता है कि मैं इस भूमि को मनुष्य से तथा बंदरों से हीन कर दूंगा, रहित कर दूंगा, बंदरों और मनुष्यों से रहित कर दूंगा। लेकिन कोई सामान्य पाठक अगर पढ़े तो वो ये समझता है कि जो भूमि शब्द का जो प्रयोग है वो यहाँ अमानुष्य के बाद में कर दिया,
यानी इस भूमि शब्द का प्रयोग है वो इस अमानुषी शब्द के बाद में कर दिया, तो इसका अर्थ ये पढ़ लेगा कि अमानुषी भूमि यानी मनुष्यों से हीन भूमि। क्या? मनुष्यों से हीन भूमि यानी मनुष्य से रहित धरती पर धरती को मैं क्या कर दूंगा, अवानरी करो, बंदरों से रहित कर दूंगा। तो ये वाक्य उचित नहीं है, इसका क्रम है उचित नहीं है। भूमि शब्द का प्रयोग पहले होना चाहिए था, या भूमि अमानुषी अवानरी करो, मैं इस भूमि को मनुष्य से और बंदरों से हीने कर दूंगा, ये अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ भूमि शब्द में क्रम भंग है, इसीलिए ऐसी कोई स्थिति है, ऐसी काव्य में जो वाक्य संबंधी अशुद्धि आ जाती है तो वो वाक्य दोष कहलाती है। तो आशा है ये वाक्य दोष भी आपको समझ में आएंगे। अंतिम एक देख लीजिए आप, रस दोष। रस दोष, रस दोष से हमारा तात्पर्य यह है कि भाई काव्य जो लिखने का उद्देश्य क्या होता है, कवि का, कवि का उद्देश्य होता है कि उस कविता को पढ़ करके सहृदय पाठक आनंद से रस की प्राप्ति करे, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगर उसी कविता में, उसी काव्य रचना में अगर उस रस या आनंद में कोई बाधा उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाएगी, रस दोष। यानी कोई कविता है और उसमें अगर रस की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इसका मतलब उस कविता में रस दोष माना जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जैसे भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी जो भाव है उनका अगर विवेचन उस कविता में ठीक प्रकार से अगर नहीं किया गया है, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों का अगर संयोजन, उनका जो विवेचन अगर ठीक प्रकार से उस कविता में नहीं किया गया, या फिर प्रतिकूल जो रस है उनका अगर प्रयोग कर दिया गया, जैसे श्रृंगार रस में करुण रस का प्रयोग कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हम रस दोष मान लेते हैं या माना जाता है। जैसे इसका अर्थ ये हो गया कि रस दोष का मतलब होता है रस काव्य में, काव्य में रस या आनंद को बाधा पहुंचाने, काव्य में रस या आनंद को बाधा पहुंचाने पहुंचाने वाले वाली बातें रस दोष कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें कविता में रस या आनंद है उसमें बाधा पहुंचती है तो वह रस दोष कहलाती है। जैसे इसका एक हम उदाहरण है देखेंगे, या फिर आप इसमें भाव, विभाव, अनुभाव, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, भावों का उचित संयोजन या विवेचन न किया गया हो तो वो भी रस दोष में आएगा। या फिर प्रतिकूल रसों का प्रयोग किया जाए, प्रयोग काव्य में कर दिया जाए, समझ में आया, प्रतिकूल रसों का अर्थ हो गया जैसे भाई श्रृंगार रस की कोई रचना है उसमें अचानक से ही करुण रस की पंक्ति डाल दी तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इस प्रकार की जो रचना है उसमें रस दोष माना जाएगा। तो अब देखिए उदाहरण, रस दोष का एक उदाहरण देखिए, खेलो आज होरी, खेलो आज होरी गोरी, खेलो आज होरी गोरी, करत नहीं होरी हम, करत नहीं होरी हम, और पल को पत्तों ने पल को पत्तों ने
यहाँ काली कहाँ होई गो। ये कोई पंक्तियां हैं कवि की, तो उसमें लिखा है कि खेलो आज होरी गोरी करते निहोरी हम, पल को पतो न यहाँ काली कहाँ होई गो। तो अब इसमें कोई नायक कहना चाहता है कि जैसे कि आज तुम होरी है वो खेल लीजिए, कोई गोरी या नायिका है उससे कहता है कि तुम आज मेरे साथ होली खेल लीजिए, लेकिन करत निहोरी हम, नायक कहता है कि हम तुम्हारी निहोरी अर्थात हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई नायक कहता है कि ए नायिका ए गोरी कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे साथ होली खेलो। लेकिन ये जो पंक्ति है पहली वाली पंक्ति, उसमें श्रृंगार की जो भावना है वो आ रही है। पहली पंक्ति में तो कौन सी भावना आ रही है? पहली पंक्ति श्रृंगार, श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही है। तो दूसरी जो पंक्ति आप देखिए, पल को पतो ने यहां काल कहां होई गो। पल का भी क्षण का भी पता नहीं है कि कल क्या हो जाएगा, कल को पतो, कल का ज्ञान नहीं है कि यहां काली मने कल, कल क्या होगा पता नहीं। इस पंक्ति में ये, इस पंक्ति को देख करके लगता है कि यहां पर विरक्ति का भाव है। तो दूसरी पंक्ति में विरक्ति का भाव है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी जो रस है या भाव है वो आ रहे हैं। पहली पंक्ति में श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही, तो दूसरी पंक्ति में तुरंत ही विरक्ति का भाव, करुण का भाव आ गया है। इसीलिए इस प्रकार से प्रतिकूल रसों का अगर प्रयोग काव्य में कर दिया जाए तो वहां पर रस दोष माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज विद्यार्थियों चार प्रकार के, तीन, एक प्रकार का हमने पहले पढ़ लिया शब्द दोष, आज हम अर्थ दोष, वाक्य दोष और रस दोष के बारे में हमने विवेचना की। आशा है आपको ये काव्य दोष संबंधी जो चर्चा है वो आपने ठीक से पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे। आज इसके साथ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए विषय को लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।